मॉर्निंग जी में अब कुछ अहम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। कल हुई हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में स्वर्ण जयंती वर्ष और गीता जयंती को लेकर चर्चा हुई। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल विभाग के अधिकारियों के साथ स्वर्ण जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में स्वर्ण जयंती वर्ष और अगले महीने से शुरू हो रहे गीता जयंती समारोह के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इसको लेकर सभी विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा की गई। 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक जो एक साल का जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम जो चलेगा, उसके लिए पूरे प्रदेश में इतने अच्छे ढंग से सभी डिपार्टमेंट अपने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो करेंगे, और 6 से 10 तक राष्ट्रीय स्तर का कुछ क्षेत्र में आपको मालूम ही है गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। और इसके अंदर सभी मिनिस्टर्स और सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अनौपचारिक कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिले एक एक गांव में गौरव पट भी लगाए जाएंगे और ये कार्य बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मंत्रियों की जिम्मेदारियां भी लगाई गई हैं। पूरे स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री भी और हम जैसे कैबिनेट मंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पे जो सूचना पट का जो लगना है गौरव पट सर, उसका कल पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक गांव पर कल लगा जाएगा, और जिसमें मेरी ड्यूटी पट्टी कल्याण है। इस तरह डिफरेंस ड्यूटी सभी मिनिस्टर्स की है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष बना रही है। 31 अक्टूबर 2017 तक प्रदेश में स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम चलेंगे और इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।